दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना अलग ही महत्व बताया गया है और इस साल 10 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जिसे कलश की स्थापना करनी थी और जिसे अपना व्रत शुरू करना था वे सभी काम कर रहे हैं, लेकिन माता प्रसन्न किसी किसी पर ही होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और नवरात्रि में हमें बहुत सारी चीजें मना होता है, जिसमें खाने पीने से लेकर चीजों के इस्तेमाल तक की सभी बातें शामिल होती हैं। पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी आपको ऐसे संकेत देती हैं जिसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है कि माता की कृपा आपके ऊपर हुई या नहीं। इन संकेतों को बस आपको समझना होगा, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। अगर आपको भी नवरात्रि में मिलने लगे ये शुभ संकेत, अगर आपके साथ भी हो रहा है ऐसा या मिल रहे हैं ऐसे संकेत, तो खुश हो जाए, आपके ऊपर माँ की कृपा आने वाली है। नवरात्रि के समय ज्यादातर लोग कोई माता रानी के लिए व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद माता के गुणगान गाते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाते हैं। इस दौरान वे उन हर चीजों से दूर रहते हैं जिसके करने के लिए उनका मन आम दिनों में कंट्रोल नहीं रह सकता। नवरात्रि के दिनों में अगर किसी फल की इच्छा ना करते हुए बस अपनी पूजा पर ध्यान दीजिए, बाकी माता के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से 9 दिनों के अंदर माँ दुर्गा आपको ये संकेत देंगी। नवरात्रि के दिनों में माता की कृपा अपने भक्तों पर होती है। अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझ जाए कि आपकी पूजा से माँ प्रसन्न है और आपको जल्दी ही धन संपत्ति मिलने वाली है। नवरात्रि में अगर आपको रास्ते में कहीं 16 श्रृंगार किए हुए महिला अचानक दिख जाए तो समझिए कि आपकी परेशानियों के दिन खत्म होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसने वाली है। नवरात्रि के मौके पर अगर सुबह के समय नारियल या फिर कमल का फूल दिखाई दे तो समझिए आपके ऊपर माता की कृपा खासतौर पर बरसने वाली है।